गुड मॉर्निंग गाइज, टाइम इज 6:40 AM. पहाड़ों में है तो थोड़ी सी लेट नींद खुली है, बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे. द व्यू आउटसाइड इज प्रिटी फॉगी, लाइक आई वाज शोइंग यू लास्ट नाइट. इट्स द वैली व्यू दैट यू सी फ्रॉम दिस प्लेस विच इज कॉल्ड मिराकी हट्स. लेट मी जस्ट स्विच द कैमरा. दिस इज द व्यू आउटसाइड. कैन यू सी एनीथिंग? इट्स लाइक कंप्लीटली फॉगी, बट द गुड पार्ट इज देयर इज सम सन दैट इज पीपिंग थ्रू. सो बाहर चलते हैं, आपको व्यू दिखाते हैं. व्हाट इज इट लाइक? लेट्स गो. ओह वाओ, लवली लवली लोकेशन मैन. ऊपर चंदा मामा भी दिख रहे हैं थोड़े से, एंड यहाँ पे दैट इज द व्यू ऑफ द वैली. ऊपर चढ़े, ये देखो यार क्या व्यू है. सो देयर इज अ मंदिर देयर, वहीं पे हमने बाइक वगैरह पार्क करी थी रात को. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, रात को आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कहाँ पे है ये लोकेशन, क्योंकि बाइक थोड़ी सी दूर पार्क होती है एंड उसके बाद थोड़ा सा पैदल चल के आना पड़ता है. तो आई वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट बिकॉज आई वॉज कमिंग हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस प्लेस इज प्रिटी गुड. एज यू कैन सी देयर इज अ लाइन ऑफ कॉटेजेस हेयर. द मॉर्निंग्स एज यूजुअल आर लुकिंग ब्यूटिफुल. एंड दिस इज माई स्मॉल रूम. इट्स काइंड ऑफ द स्मॉलेस्ट रूम हेयर, बट यहाँ पे जो बाकी सारी हैं those are big huts where I'm planning to come with family definitely. So now it's time to head back. I have to meet Gaurav who is staying at a resort nearby. जो काम है जिसके लिए आया था. We'll spend maybe an hour or so there and then I'll head back from here. वापसी की ride is gonna be by the Srinagar route. आते समय we took that turn from Devprayag and थोड़ा सा ख़राब section था जहाँ पर construction चल रही थी. That's why it was a little dusty. But जाते समय we'll be going through Srinagar and वही Rishikesh, Haridwar and the same old highway to Noida. There you can see the tiger is parked. Aage se mitti mitti ho gayi, safed safed ho gayi after the cement thing that happened on the route yesterday. That's the condition of the bike. These are our rock straps and ispe mara jayega bag. So here is my Triumph bag. I've just tied it with the rock straps. This is one amazing thing that you guys should invest in. Bungee straps ko bhool jao, rock straps mein invest karo. These rock straps cost around 2000 rupees aur saalon chalti hain. Bungee straps 100 rupees ki aati hai, 2-3 to use ho hi jati hain luggage try karne mein. To 200-300 rupees ki padti hain, but trip pe jab us pe keechad veechad lagta hai, so thodi si na bungee strap phatne lag jati hai. Aur sabse badi baat, in rock strap mein ye aisa ek clip hota hai rather than वो हुक्स जो शार्प होते हैं और कभी भी किसी को इंजर कर सकते हैं एकदम निकल के. सो रॉक स्ट्रैप इज समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड. कोई भी बैग हो, एनी बैग दैट यू हैव, एनी बैकपैक दैट यू हैव, यू कैन इजीली माउंट यूजिंग द रॉक स्ट्रैप्स. बिफोर स्टार्टिंग टुडे आई हैव गॉटन माय सॉक्स आउट एंड मेन ऑक्स लाइट्स को कवर कर दिया है क्योंकि कल 500 रुपये का चलान हो चुका है. बाइक ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कीचड़ वीचड़ टाइप की हो गई है यार. ये सस्पेंशन वाले पार्ट में ये क्या मिट्टी सी जा रही है यार, दिस इज गंद. व्यू देख लो गाइस. सो राइट नाउ आई एम हेडिंग टू द होटल वेयर गौरव इज स्टेइंग. दिस इज द एरिया दैट वी एंटर्ड व्हाइल इट वाज कंप्लीटली डार्क लास्ट नाइट. दैट इज द रोड दैट आई हैड टेकन एंड वी आर गोइंग टू मर्ज विद दैट वन. सो यू स्टार्ट योर जर्नी इन द मॉर्निंग फ्रॉम योर प्लेस, रीच द डेस्टिनेशन बाय इवनिंग somewhere in the mountains. That's the time it's almost dark, but the next day when you start your ride, the freshness of the morning is so good, it's so infectious. This is what makes riding so much fun. Maza aa raha hai is samay bike chalane ka. Kya freshness hai idhar hawa mein. Aur achhi baat ye hai mausam aisa hai ki it's not uncomfortably cold as well.
सो जस्ट परफेक्ट प्लेजेंट वेदर हेयर इन उत्तराखंड. और जेसीपी आ गई सीधे ही. सो राइट अहेड ऑफ मी इज गौरव ऑन इज WRV. नॉट मच ऑफ टॉकिंग हेयर, जस्ट द साउंड ऑफ द टाइगर. Second gear is where I'm sticking to, providing great amount of engine braking on the curves. As soon as you roll off the gas from the throttle, and just enough to accelerate out of the corners and keep you entertained. Take a blind turn, but as soon as you see the opening, just go. Clouds have suddenly come in, cloud cover in this area, and actually it's a bright sunny day. It's just this part that is getting affected by this cloud cover, and that's adding to the landscape and the scenery I am riding in. Just lovely.
this is not a very wide road, but a road that is keeping me entertained because of the mild curves that it has. As you can see, I am riding in the third gear, and this is where I'm feeling the most comfortable. As I hit a turn, I just use engine braking, get into the second gear and accelerate out of the curve. Third and second is the gear that I am enjoying the most here, and as you see, a curve came and I am down to the second, still in the second, leaning and having fun. This is what you need to do to have fun in the hills. Ride in a controlled speed, in a controlled manner, rather than just going all out. While I'm doing this, you see this cloud that is flowing through this area. It's not fog, it's a proper cloud that is flowing through. What a view, guys, of the valley here. You see this area, Pauri. I think this is the main Pauri city. And यहाँ की बात different है यार थोड़ी सी. हिमाचल के जो villages देखता हूँ या छोटे छोटे शहर देखते हैं उससे थोड़ा सा different है ये जगह. उत्तरांचल की एक अपनी vibe है. And इसके interiors वाले area में घूम के ही you will get an idea कि क्या different है इधर. बहुत ज़्यादा मस्त फीलिंग आ रही है इधर बाइक चलाने की. I was waiting for Gaurav to pass through because there was a fork on which we had to decide left jana hai, right jana hai. I was not aware of the route. Tumse zyada tumse kam nahi humna. Wah, kya turn hai, zigzag. Wah mere sher, wah. The slope that we are on right now, it is reminding me of what you get when you are descending from Landore and take that back route avoiding the main Mussoorie area. Bilkul uski yaad aa rahi hai. Ye shortcut leke hum aaye main road pe. Cool. We are passing through Pauri. Looks like a very very big town. I've never been here before, but कुछ कमी नहीं है इस जगह पे. एवरी थिंग इज़ अवेलेबल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ शॉप्स आर देयर, अ बिग मार्केट एरिया.